नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कन्या राशि, फरवरी 2022, गुरु शनि और बुध बनाएंगे सारे बिगड़े काम। नई नौकरी, व्यापार, दुकान में सफलता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी माह 2022 के कन्या राशिफल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए ये फरवरी का महीना कैसा रहेगा, इस महीने में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, किस तरह के योग बनेंगे, कौन सा ग्रह राशि बदलेगा और उस परिवर्तन का क्या प्रभाव कन्या राशि के जातकों आपके जीवन पर पड़ेगा और आपके किस भाव में कौन सा ग्रह बैठेगा, इस महीने में क्या युतियां होंगी, क्या ग्रहों की स्थितियां आपके परिवर्तन आपके जीवन में डालेंगी, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश भी करिएगा। तो सबसे पहले कन्या राशि के जातकों, हम ग्रहों की स्थितियों के बारे में जान लेते हैं कि फरवरी 2022 के महीने में कौन सा ग्रह किस राशि में परिवर्तन करेगा। तो कन्या राशि के जातकों, महीने की शुरुआत में ही 4 फरवरी को आपके राशि के स्वामी बुध जो हैं वो कुंभ राशि में मार्गी होने वाले हैं, यानी कि आपके छठे भाव पे कन्या राशि के जातकों। इसके बाद 13 फरवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा जो कि कुंभ राशि में होगा और ये भी यानी कि छठे भाव पे जाएंगे, बुध ग्रह के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्वाण करेंगे। अब कुंभ राशि में पहले से ही गुरु बृहस्पति बैठे हैं, कुंभ राशि में बुध भी आ चुके हैं और कुंभ राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, तो कन्या राशि के जातकों एक तो बुधादित्य योग भी बन गया और साथ में त्रिग्रही योग बन रहा है। इसके बाद 26 फरवरी को मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, मंगल मकर राशि में आएंगे, शनिदेव के साथ युति बनाएंगे। इसके बाद 28 फरवरी को शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, तो महीने के लास्ट में 3 ग्रहों की युति बनेगी और इसी महीने में बृहस्पति ग्रह भी अस्त होने वाले हैं। तो इनका सभी का प्रभाव कन्या राशि के जातकों के ऊपर फरवरी के महीने में किस तरह से होगा, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले आर्थिक जीवन की बात करते हैं, यानी कार्य क्षेत्र की बात करते हैं आपके कैरियर और बिजनेस व्यापार की। तो देखिए कन्या राशि के जातकों, आपके लिए फरवरी के महीने में कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छा समय है। आपके छठे भाव पे गुरु बृहस्पति हैं और फिर सूर्यदेव भी आ जाएंगे, तो आपके राशि के स्वामी भी यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे, तो कई प्रकार के लाभ होगा। दशम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं देव गुरु बृहस्पति, यानी शुभ दृष्टि डाल रहे हैं, तो इससे आपके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, नई नौकरी मिलने की उम्मीद बनी हुई है, व्यापार में अच्छा सफलता प्राप्त होगा, दुकान आदि में जरूर सफलता प्राप्त होगी, महत्वपूर्ण लाभ होगा। यानी कि अब यहाँ पर देखिए कई प्रकार के लाभ आपको देखने को मिलेंगे। अब चूंकि यहाँ पर कई प्रकार के महत्वपूर्ण लाभ जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण यानी कि महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण आपको लाभ भी देकर जाएंगे, महत्वपूर्ण अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं, महत्वपूर्ण यानी कि जो सोचे हुए कार्य थे उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके बोझ से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी फरवरी के महीने में। अब गुरु शनि और बुध बनाएंगे आपके सारे बिगड़े काम, यानी कि अब देखा जाए तो गुरु आपके यानी कि दशम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, फिर आपके धन भाव पे डालेंगे, शनि देव का आपके लाभ भाव पे दृष्टि होगा फरवरी के महीने में, लाभ भाव से लाभ होगा, फिर मंगल देव का भी आ जाएंगे तो प्रॉपर्टी वगैरह में लाभ होगा। आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह की भी बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि लाभ की स्थिति बनेगी, यानी कई महत्वपूर्ण आपको लाभ मिलेंगे, जीवन में उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी फरवरी के महीने में, नई चीज़ें आपको मिलती नजर आएगी कन्या राशि के, नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी, एक तो कार्यक्षेत्र में, एक तो आपके यानी कि बिजनेस व्यापार में और नौकरी में, और साथ ही साथ दुकान में आपको यहां पर सफलता प्राप्त होगी, नई दुकान की निकालने या फिर नई दुकान लगाने की सोच सकते हैं फरवरी के महीने में कन्या राशि के, आपको उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी, लॉटरी सट्टा इनकम आय में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप बिजनेस व्यापार करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त होगा। शनिदेव चूंकि यहाँ पर पंचम भाव पे बैठ के फरवरी के महीने में कन्या राशि के आपके धन भाव पे देख रहे हैं, धन भाव पे 2 ग्रहों की युति बनी रहेगी, एक तो देवगुरु बृहस्पति की रहेगी और शनिदेव की रहेगी, तो विशेष उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी, यानी कि पारिवारिक मुद्दे सुलझेंगे, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा, इनकम आय में वृद्धि होगी, पहले से कहीं ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होगा, जो अभी तक आपको नहीं मिल पा रहे थे उनमें आपको सफलता प्राप्त होती नजर आएगी, कई महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे, पारिवारिक मुद्दे में जो यानी कि जो पहले चल रहे थे कोर्ट कचहरी में उनमें सफलता प्राप्त होगी, वो मुद्दे खत्म होंगे और बड़े भाई बहनों को सहयोग प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो देखिए जमीन प्रॉपर्टी से जुड़े मामले आपके हल होंगे, प्रारंभिक शिक्षा जिनकी है यानी कि
शिक्षा जिनकी शुरुआत दौर पर चल रही है उनके लिए पढ़ाई लिखाई के दौर पर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कन्या राजकीय को फरवरी के महीने में आपके लिए कहा जाए तो विशेष उपलब्धि है, इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्ते बनेंगे, नए रिश्तों की चर्चाएं होंगी, शादी विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अवसर रहेंगे, यानी कि नए रिश्ते तय होंगे, शादी विवाह के लिए कन्फर्म हो सकता है, अभी तक जो समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं दूर होंगी, शुभ मंगल कार्य होंगे, धार्मिक कार्य हो सकते हैं, शादी विवाह का आयोजन हो सकता है, धर्म कर्म के कार्य होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर वैवाहिक जीवन भी उत्तम रहेगा। फरवरी के महीने में कन्या राशि को वैवाहिक जीवन में खुशियाँ प्राप्त हो रही हैं, अनेक प्रकार से लाभ होंगे। शादी विवाह के लिए तो अच्छे योग हैं लेकिन जीवन साथी से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं, संतान की चाहत पूरी होगी कन्या राशि को फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में कई प्रकार की युतियाँ ये बहुत ही अच्छी रहेगी, तीन यानी कि तीन ग्रहों की युति बन रही है और फिर लास्ट महीने में भी तीन ग्रहों की युति बनेगी, यानी कहा जाए तो ये राजयोग और धनयोग का निर्माण जो फरवरी के महीने में बन रहा है ये कन्या राशि को आपको विशेष उपलब्धियां देकर जाएगा, विशेष यानी कि मान सम्मान के देकर जाएगा। प्रेम जीवन में भी खुशियां बरसेंगी फरवरी के महीने में और साथ ही साथ प्रेम जीवन के अलावा आपको अपने यानी कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी फोकस बनाए रखने की ज़रूरत है, पढ़ाई लिखाई पर बहुत अच्छा ध्यान रहेगा क्योंकि आने वाले महीनों में आपके एग्जाम रहेंगे, इसलिए आप पूरी तरह से पढ़ाई के पर समर्पित रहेंगे, ध्यान देंगे, फोकस बना रहेगा, घूमने फिरने से बचेंगे आप। तो कन्या राशि को स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी हालांकि कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं रहेगी, वाणी पे मिठास आएगी, वाणी पे आपके यानी कि हालांकि बीच बीच में आप कभी कभी ईगो या फिर किसी ऐसे शब्द की वजह से आप अपने नुकसान भी कर बैठेंगे लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, हालांकि ज्ञान आपके अंदर जबरदस्त होगा, वाणी पे मिठास आएगी, नौकरी में पदोन्नत होगी, नौकरी में आपको लाभ होगा, व्यापार में उन्नत होगी, नौकरी व्यापार में जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी, नई नौकरी जो अभी तक तलाश कर रहे थे कन्या राशि को दर दर की ठोकरें खा रहे थे उनके लिए सफलता के सूचक बनेंगे ये फरवरी का महीना, नई जॉब लगेगी, नई नौकरी लगेगी जिससे आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, विदेश जाकर नई नौकरी कर सकते हैं, नई व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुरु और शनि और बुध ये बनाएंगे आपके सारे बिगड़े काम, कई महत्वपूर्ण आपको लाभ देकर जाएंगे ये तीन ग्रह, विशेष उपलब्धियाँ आपको देकर जाएंगे, विशेष रूप से कहा जाए तो विशेष सफलताएं आपको देकर जाएंगे जो अभी तक आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। आपको इस फरवरी के महीने में कन्या राशि को अगर बेहतर से बेहतर और भी ज़्यादा रिजल्ट आपको प्राप्त करना है तो आपको यानी कि अब चूंकि यहाँ पर देखा है तो उपाय बताने से पहले देखें, गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त होगा, नए भवन का निर्माण करेंगे तो आप जैसे कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल केले के दान करें और शनिदेव के मंदिर में एक दीपक सरसों के तेल के जलाएं और आप अपने राशि के स्वामी बुध ग्रह का आप यानी कि वृषण सहस्त्र स्त्रोत का पाठ करें और गणेश भगवान को दुर्वा की माला पहनाएं, ये उपाय अगर करें तो कन्या राशि को फरवरी के महीने में और भी बेहतर और उत्तम रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये था आज की इस वीडियो में कन्या राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2022 का राशि फल। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शनिदेव।